और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर है। रूस के हालात पर यूक्रेन की भी नजर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हालात पर नजर बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। जेलेंस्की को पल पल की हालात की जानकारी यहां पर दी जा रही है। इस वक्त की महायुद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के इससे जुड़ी हुई रूस के हालात पर जेलेंस्की की नजर बनी हुई है। जेलेंस्की की सिर्फ नजर नहीं होगी, इस पर नजर जरूर अमेरिका ने भी बनाई होगी, लेकिन जेलेंस्की ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं कि इस वक्त रूस में क्या चल रहा है, जो लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप के वो कहां तक पहुंचे हैं, क्या वो मॉस्को में दाखिल कुछ ही समय बाद हो जाएंगे। ये सारी वो जानकारी है जो अब जेलेंस्की ले लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वही वैगनर के लड़ाके हैं जो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। न जाने कितने ऐसे शहर थे, इलाके थे जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे। जनक हमारे साथ फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जनक, इस वक्त पुतिन को तख्ता पलट का भी डर होगा, क्योंकि कस्म उस वैगनर ग्रुप के चीफ ने खाली है जो अभी तक रूस के समर्थन में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। बिल्कुल एक लवीना, यहाँ पर ये जो संदेह जताया जा रहा है खासतौर पर क्रेमलिन की ओर से, कि वे यही है कि कहीं ये तख्ता पलट की कोशिश तो नहीं है, और इसी के चलते मॉस्को में काफी बख्तरबंद गाड़ियां अभी देखने को मिल रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट रोस्तोव में देखने को मिला है। रोस्तोव वो शहर जहाँ एक डिफेंस का, मतलब रूसी डिफेंस का एक बड़ा सेंटर है, वहां पर कई चौकियों पर जो ये जो लड़ाके हैं वो लड़ाकों ने, वैगनर ग्रुप ने अपना कंट्रोल ले लिया है। और खासतौर पर जब हुआ, जब येवगेनी प्रिगोजिन को रूसी सेना ने गिरफ्तारी के लिए कहा, प्रेसिडेंट पुतिन ने आदेश दिए कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में लंबे समय से कुछ टकराव चल रहा था। हालांकि सीमा की जब तक बात की जाए, चाहे बखमूत का वो जगह हो, चाहे डॉनबास की जगह हो, वहां पर जो भी रूस ने मोर्चा आगे संभाला वो केवल चेचन लड़ाके और वैगनर ग्रुप के जवान ही थे, रूस के सेना के जवान नहीं थे उस समय। ऐसे में जब डॉनबास में वैगनर ग्रुप पर जब मिसाइल से हमला हुआ, उसके लिए जो प्रिगोजिन है वैगनर ग्रुप के चीफ, उन्होंने कहा कि इसके पीछे रूस है और रूस को हम अब जवाब देते रहेंगे। यानी एक समय रूस के लिए लड़ने वाले प्राइवेट सेना, जिसे कहें निजी सैनिक, उन लोगों ने अब ये ठान लिया है कि कैसरी करके वो रूस के खिलाफ मॉस्को में घुसकर पुतिन को जवाब देंगे। तो ये एक चिंता का विषय प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बना है। एक सशस्त्र विद्रोह जिसे कहें वो अब शुरू हो गया है। यूक्रेन के साथ तो जंग छोड़ दीजिए, अब पुतिन के लिए चिंता का विषय ये है कि उनकी सीमा के भीतर जो ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, उन्होंने कई जगह पर मोर्चा संभाल लिया है। आप तस्वीरों में भी देखिए, टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल रोस्तोव शहर की है। रोस्तोव शहर में टैंक्स देखने को मिल रही है आपको, जवान कहीं है जो अपना पोजीशन लेते हुए देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक रूसी सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसको भी मार गिराया गया, और प्रिगोजिन ने बकायदा जो रूसियन टेलीग्राम चैनल्स हैं उसके अलावा बाकी टेलीविजन चैनल्स हैं उनको हैक कर अपना वीडियो उन्होंने जारी किया कि अब हम मॉस्को की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपने जो शुरुआत में जो बात कही वो बिल्कुल उस चिंता का पुतिन के लिए लाजमी हो जाती है कि क्या वो मॉस्को की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि रूस है वो कहीं मानव संसाधन से कई समय से जूझ रहा था। आपको याद हो कि मिलिट्री भर्तियां शुरू की गई थी, बावजूद लोग नहीं जा रहे थे, कंपल्शन किया गया था, बावजूद लोग नहीं जा रहे थे। ऐसे में चाहे वो चेचन लड़ाके हो चाहे वैगनर ग्रुप है, यही जो किराए से जो सैनिक लिए थे वही लोग लड़ रहे थे, जेलों से जो लोग निकाले गए थे वो लोग लड़ रहे थे, और उसी का हिस्सा है ये वैगनर ग्रुप। और वैगनर ग्रुप को अब लगा कि उनके साथ पीठ में ये हमला किया गया है, पीठ के पीछे हमला किया गया है, जिस तरीके से डॉनबास में मिसाइल हमला करके उनके जवानों को मारा गया, उनके कई कमांडर्स को मारा गया, उसके बाद प्रिगोजिन का ये कसम खाना कि हम मॉस्को के भीतर घुसकर तख्ता पलट करेंगे, ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए चिंता का विषय बनाया है। बिल्कुल जनक, और इसीलिए जो बात आपने बताई कि अब ये वैगनर ग्रुप के जो चीफ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बगावत नहीं है, ये बदला है। अगर हम 2000 लड़ाके हमारे इसमें मारे जाते हैं, और मारता कौन है, हमला कौन करता है, वो रूस, जिनके लिए लगातार वैगनर ग्रुप के तमाम लड़ाके यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, अलग अलग तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं। अब ऐसे में रूस ने, अगर ये कहा जा रहा है कि पीठ में छुरा घोपा, तो ये रूस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब जब मानव संसाधन से जूझ रहे थे, मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से खाना खराबी हुई है, उस रूसी सेना को शुरुआती दौर में यूक्रेन ने जो जवाब दिया उसमें कई जवान मारे गए,
जो आंकड़ा दिया जा रहा है, हालांकि उसमें आंकड़े बहुत दोनों ओर से क्लेम अलग अलग किए जा रहे हैं। यूक्रेन अपने हिसाब से क्या क्लेम कर रहा है, रूस अपने हिसाब से क्लेम कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है बहुत ज्यादा खाना खराबी हुआ है। उसके चलते ही मिलिट्री में कई लोगों की जबरन भर्ती शुरू कर दी थी, मानव संसाधन की सबसे बड़ी कमी शॉर्टेज थी। और इसी में आपने याद होगा वो चेचन लड़ाके भी क्या है, तो वही प्रेसिडेंट पुतिन के लिए खड़ी की गई फोर्स थी। और यहाँ पर भी ये प्रेसिडेंट पुतिन ने ही अपने लिए निजी किराए से जिसे कहें वो एक फोर्स खड़ी की गई। लेकिन जब उनको लगा कि हमने बखमूत में काफी टक्कर ली यूक्रेन से, हमने डोनबास में काफी तरह से टक्कर ली, हमने लुगांस में ली, डोनेस में ली, हर जगह पे हमने मोर्चे पर संभाला, हमने मोर्चे से हमने हमारे जवान गवाए, हम ये लड़ रहे थे, उसी समय पर हमारी पीठ पर जब छुरा भोंका जाता है तो हम अब बदला, हम यूक्रेन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन हम वापिस जाएंगे मॉस्को की ओर। इसी के चलते ये तस्वीरें दिख रही वो काफी क्रेमलिन के लिए चिंता का विषय और क्रेमलिन का सुरक्षा घेरा भी मजबूत बना दिया गया है। और इसके परिणाम और कितने खतरनाक हो सकते हैं ये भी आपसे जानेंगे। जनक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त देखिए एक और अहम खबर आपको बता दें, रूस के हालात इस वक्त जो बने हुए हैं वो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो है वो भी बता दें, रूस के जो हालात हैं उस पर अमेरिका की भी नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को इसकी पल पल की इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, माफ कीजिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इसकी पल पल की जानकारी दी जा रही है। वहीं व्हाइट हाउस से भी बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा परिषद का कहना है कि वो लगातार रूस के हालात की निगरानी कर रहे हैं और इस घटनाक्रम पर सहयोगियों से बातचीत भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बाइडेन को भी जानकारी दी जा रही है, उधर ज़ेलेंस्की भी जानकारी ले रहे हैं, ये भी खबर मिली थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है। रूस के हालात पर अमेरिका की अब नजर बनी हुई है क्योंकि अमेरिका खुले तौर पर लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा था। अब व्हाइट हाउस से भी बयान सामने आ चुका है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा परिषद का कहना है कि वो लगातार रूस के हालात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी अपडेट सामने आ रहा है वो बाइडेन को भी इधर दिया जा रहा है। रूस के हालात पर अमेरिका की नजर है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इसकी जानकारी दी जा रही है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की है। पुतिन वैगनर आर्मी आखिर है क्या? सबसे पहले आप जानिए, वैगनर ग्रुप की स्थापना रिमित्री युटकिन ने की थी। हिटलर के संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर ये ग्रुप हुआ करता था। अभी ये गिनी प्रिगोजन वैगनर ग्रुप के प्रमुख है। ग्रुप पर हर महीने 8 अरब 28 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया जाता है। वैगनर ग्रुप में 90% लड़ाके पूर्व कैदी रहे हैं। वैगनर ग्रुप में हत्यारे, बलात्कारी, ड्रग्स माफिया शामिल हैं। यूक्रेन में 50,000 से ज्यादा लड़ाके शामिल हुए। सीरिया युद्ध की भी बात करें तो सीरिया युद्ध में भी शामिल रहा है ये वैगनर ग्रुप। और यही वैगनर ग्रुप जो अब रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और रूस की स्थिति इससे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यही माना जा रहा है। क्योंकि अगर ये विगिनी प्रिगोजिन ने इस बात का मन बना लिया है कि बदला लेना है, विद्रोही हो जाना है, ये बगावत नहीं है, ये कहा जा रहा है कि न्याय की लड़ाई है। अगर हमारे लड़ाकों को मारा गया जो रूस के ही समर्थन में काम कर रहे थे, जो रूस के ही समर्थन में आके यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, क्योंकि देखिए आंकड़ा जो दिया जा रहा है वो अलग अलग है। सोर्सेस से बता रहे हैं कि लगभग 2000 जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं, इस बात का दावा वैगनर ग्रुप कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े और दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो बहुत डरा देने वाला है, इसीलिए क्योंकि अब ये जो ग्रुप के लड़ाके हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पुतिन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है, वैगनर ग्रुप की ये बगावत है, सेना मुख्यालय को घेर लिया है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और यही डर इस वक्त पुतिन को सता रहा है। तीन तस्वीरें जो अभी तक की सिचुएशन को बयां कर रही है, आप देखिए पुतिन के खिलाफ विद्रोही हुआ है वैगनर ग्रुप, जो अभी तक साथ में लड़ रहा था, अभी तक यूक्रेन पर हमले कर रहा था, लेकिन अब वो आगे बढ़ रहा है और नुकसान पहुंचाना चाहता है रूस को। क्योंकि आरोप लगा है रूस पर कि जो ट्रेनिंग कैंप था उस पर हमला किसने करवाया, वो पुतिन ने करवाया, वो रूसी सेना ने करवाया। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए वैगनर ग्रुप की ये बगावत है, हालांकि बगावत इसे वो नहीं मान रहे, वो ये कह रहे हैं कि न्याय की लड़ाई है, हमारे लड़ाके अगर मारे गए हैं तो फिर अब यहाँ पर हम रुकने वाले नहीं है, बदले की कसम खाली है और इसीलिए ये विद्रोह किया है, सेना मुख्यालय को घेरा है। ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। जो तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपनी पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे और ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं पुतिन के लिए, ये आप
समझना होगा। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। अब दावा यह किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने इस बात का दावा कर दिया है कि उसके 25,000 लड़ाके मोर्चा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये लड़ाके किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उधर वैगनर के इरादे को देखते हुए मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं रोस्तोव के गवर्नर से लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। यानी कि रोस्तोव ये वो जगह है जहां पर जानकारी ये है कि उसकी सीमा में घुस गए हैं। ये सबसे शहर जो रूसी आर्मी है उसके लिए कहा जाता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। वैगनर ग्रुप आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है, यानी कि अब बख्शा नहीं जाएगा, ये वैगनर ग्रुप ने तय कर लिया है। और उसी का नतीजा आप देखिए बताया ये जा रहा है। जो वैगनर ग्रुप के चीफ ने दावा किया है कि 25,000 लड़ाके मोर्चा लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और ये लड़ाके किसी भी हालात से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। यानी कि अगर रूसी सेना भी हमला करती है तो वो अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे, लेकिन अब छोड़ना नहीं है, इस बात की कसम खा ली है। और उधर देखिए वैगनर के इरादे को देखते हुए मॉस्को में भी हाई अलर्ट पूरी तरीके से कर दिया गया है।